इंदौर शहर में एक बार फिर डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है। इस बार बैंक के रिटायर्ड अफसर को ईडी का वारंट दिखाकर करीब 40 लाख रुपए ठग ली है। बदमाशों ने वारंट के नाम पर इतना धमकाया कि रिटायर्ड अफसर कुछ समझ नहीं सके और दो दिन तक अकेले ही कमरे में डिजिटली अरेस्ट रहे। जैसा बदमाश कहते रहे वैसा वे करते गए। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच एडिशनल डीसीपी राजेंद्र ढंडोतिया ने बताया कि घटना महालक्ष्मी नगर के रहने वाले एसबीआई से रिटायर्ड अधिकारी के साथ हुई है। वहीं फरियादी ने पुलिस को बताया कि 11 जुलाई को सुबह 10:30 बजे अनजान नंबर से उन्हें फोन आया। फोन करने वाले ने ईडी का अधिकारी बनकर बात की और कहा कि तुम्हारे नाम का ईडी ने वारंट जारी किया है, तुम एक मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े केस में फंसे हो, इसमें तुम्हारे बैंक खाते इस्तेमाल हुए हैं जिसमें 8,20,00,000 की राशि का अवैधानिक रूप से कई बैंक खातों में ट्रांजैक्शन हुआ है। वीडियो कॉल पर दिखा दिया फर्जी वारंट, गिरफ्तारी का डर बताया। फरियादी ने बताया कि आरोपी को उन्होंने ऐसे किसी खाते के ट्रांजैक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं होना और ऐसा नहीं करना बताया तो बदमाशों ने एक अवसर की तरह धमकाते हुए उन्हें वीडियो कॉल कर उनके नाम का वारंट भी दिखाया। वारंट देखने के बाद गोयल को वह सही लगा और वे झांसे में आ गए। बदमाशों ने फरियादी से कहा कि जिन बैंक खातों से मनी लॉन्ड्रिंग की गई हो उनमें आपकी आईडी इस्तेमाल हुई है। वही फिर धमकाया कि घर परिवार में भी किसी को कुछ बताया तो गिरफ्तार कर लेंगे। फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी अकाउंट फ्रीज करवा दिए हैं। एक कुछ दिनों पहले एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया है जिसमें क्राइम ब्रांच से संपर्क किया गया है। उसमें जो बैंक रिटायर्ड बैंक अधिकारी है और उसके द्वारा ये बताया गया कि उसके पास कॉल आया था और कॉल में ये बताया गया कि आपके जो पार्सल था फेडेक्स इंटरनेशनल कुरियर सर्विस से कॉल आया था, ऑटोमेटेड कॉल था और उसमें बताया गया कि आपका जो पार्सल है उसमें इलीगल ड्रग्स हैं और आपके अकाउंट का इस्तेमाल हुआ है, आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है और भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आपके डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल हुआ है। फिर उसको क्राइम ब्रांच से जुड़ा, साइबर क्राइम से जुड़ा, फिर सीबीआई से जुड़ा और इस तरीके से उसको फिर वीडियो कॉल स्काइप वीडियो आईडी पर लेकर गए और स्काइप वीडियो कॉल में उसके साथ लगातार बात की और उसको डिजिटली अरेस्ट रखा और लगभग 40 लाख रुपए के करीब उसके साथ फ्रॉड हो गया। इस संबंध में उसके द्वारा रिपोर्ट कराई गई क्राइम ब्रांच से, 1930 में उनकी कंप्लेंट रजिस्टर करा दी गई है। जितने भी अकाउंट्स में जो उनका पैसा गया है उन अकाउंट्स को फ्रीज करा दिया है, होल्ड करा दिया है और इसमें फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर की जाकर उसमें इंक्वायरी जारी है और जल्दी ही इसमें आरोपी खिलाफ आरोपियों को आइडेंटिफाई की जाकर वगैरह कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। मैं जैसा कि बताया इसमें सीबीआई, ईडी, क्राइम ब्रांच, साइबर क्राइम, ये सभी तरह के जो साइबर फ्रॉडिस्टर हैं सभी तरह के हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। इवन स्काइप वीडियो कॉल में तो यूनिफॉर्म पहनकर भी उनको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह की सारी चीज़ें प्रोसेज में इन क्रमबद्ध तरीके से इसके साथ हुई हैं। ये डिजिटली अरेस्ट के शिकार हो गए हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि अभी इतना डिजिटली अरेस्ट के जो केसेस चल रहे हैं उसमें लगातार क्या आप पेपर पढ़ते हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ। तो उसके बारे में ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनिक चैनलों के माध्यम से और न्यूज़पेपर जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार इस तरह की खबर है, किस तरह के जो साइबर क्राइम में ट्रेंड चल रहे हैं वो आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि आपके सोसाइटी के आप मेंबर हैं, आपके आसपास आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है, तो अगर आप इसके बारे में जागरूक रहेंगे तो इन तरह के अपराधों से बच पाएंगे। फिलहाल कंप्लेंट रजिस्टर कर ली गई है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें पहली बार देखा गया कि साइबर में, लेकिन इस बार ईडी का देखिए क्या होता है कि वो सारी जैसा कि मैंने बताया फ्रॉड करने के लिए, फ्रॉड बेसिकली क्या है, फ्रॉड एक यूज ऑफ साइकोलॉजी का इस्तेमाल है और ऐसी स्थिति है वो जो भी उनके पास हथकंडे होते हैं, सीबीआई का नोटिस, ईडी का नोटिस, क्राइम ब्रांच का नोटिस, साइबर सेल का नोटिस, वो सभी को इस प्रकार के नोटिस देते हैं और उसको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो लगता है कि कहीं ना कहीं ये उसके जो साइकोलॉजी से खेलते हैं और उसको ट्रैप करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने ये बात अपनी कहीं किसी को बताई नहीं, फिर ये इसका शिकार हो गए। जब बैंक गए, ये बैंक में फिर इनके एक मित्र मिले जो रिटायर्ड डीएसपी थे, फिर उन्होंने उनको बताया, फिर उन्होंने अपने एक मित्र को और बताया, तब ये तीनों लोग फिर यहाँ ऑफिस आए, तब इनके द्वारा कंप्लेंट की गई। तो कई बार लोग इतना ये सोचते हैं कि डिजिटली अरेस्ट है तो कहीं ना कहीं मेरा अकाउंट यूज हुआ होगा, उस समय तक भी उनको सच्चाई का पता नहीं था कि वो फ्रॉड का शिकार हो गए। जब इन्होंने अपने दोस्तों से इस बात को शेयर किया तब जाकर पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, तब जाकर ये क्राइम ब्रांच थाने पर आए। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें जेएसआर टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।